टूडेज सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड एंड लाइक एवरी डे मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर ये टॉपिक्स सिलेबस well के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो प्लीज बी विद मी टिल्स पिक्चर ऑफ डबल हम्प कैमल विच हेज बिन डिप्लॉयड बाई द इंडियन आर्मी इन लद्दाख लद्दाख में इसे डिप्लॉय किया गया है और रीज़न क्या है इसे यहाँ डिप्लॉय करने का देखो हम जानते हैं कि जो कैमल होता है शिप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है ठीक है शिप ऑफ़ द दे डिजर्ट रेगिस्तान का जहाज़ होता है वो लेकिन अगर हम बात करें इसकी डबल हम्प्ड कैमल की तो इसका साइंटिफिक नेम है कैमल्स बैक्टीरियंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि लद्दाख ने लद्दाख में इंडियन आर्मी ने किस एनिमल को डिप्लॉय किया है किस एनिमल के ट्रूप को डिप्लॉय किया है सो दैट इज़ डबल हम्प्ड कैमल्स ठीक है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है कैमिलस बैक्ट्रस ठीक है और ये क्यों डिप्लाई किया गया है बिकॉज ये जो स्पेसीज है ठीक है इसके ऊपर देखो इतना फर है मोटा मोटा ठीक एकदम फर दिख रहा है आपको जो कि इसे विंटर से बचाएगा और इसका कलर आप देखिए जो भी सन लाइट इसके ऊपर पड़ेगा उसको ये रिपेल करने में या फिर मतलब कि जितना ये विंटर में कंपेटेबल होगा उतना ही ज़्यादा ये समर में भी कम्पेटेबल होगा नेटिव टू द हार्श एंड एरिड रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान टू चाइना मंगोलियन स्टेपीज एंड गोबी डिजर्ट हर जगह ये प्रजाति बहुत ही कॉम्पेटिबल बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है दैट्स वाई इंडियन आर्मी ने इसे लद्दाख में डिप्लॉय किया है तो ये सारी खूबियों के कारण इसे इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया होगा और भी कुछ स्पेसिफिकेशन है अगर आप जानना चाहें तो हैवे पाउच एंड लुक ओवर इट तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बाद जो हमारा टॉपिक है यू कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट सी सी कमीशन एसओसी से सोशल है डी से डेवलपमेंट है दिस इज एन एक्रोनिम दिस इज नॉट एन एब्रीविएशन सो डोंट बी कन्फ्यूज इंडिया का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टू द यू एन रिसेंटली चेयर्ड एन इनसाइटफुल मेंबर स्टेट ब्रीफिंग ठीक है मेंबर स्टेट ब्रीफिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर द सिक्सटी सेकेंड यू एन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट तो सबसे पहले ये जानना होगा हमें कि यू एन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है क्या तो याद रखना कि यू का अपना जो है सिक्स मेजर ऑर्गेंस है सिक्स मेजर ऑर्गेन्स ऑफ यू है और जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है जो कि इसके से हैं यानी कि जब से यू का फाउंडेशन हुआ है यू जब से बना है यूनाइटेड नेशंस जब से बना है तब से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल काम कर रहा है ठीक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ये एक्टिव है फ्रॉम दैट टाइम फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन उस सी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल कमीशन है जिसका नाम है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट तो इस तरह से आपको ऐसे जोड़कर याद रखना पड़ेगा जिसमें इस कमीशन में जब ये बना था उस समय से इसमें 18 मेंबरशिप हुआ करता था यानी कि 18 मेंबर्स इसके इस कमीशन के मेंबर हुआ करते थे बट फ्रॉम 1996 नाइनटी ऑनवर्ड्स अब इसमें 46 सिक्स मेंबर्स हुआ करते हैं और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी कि यह 46 सिक्स मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं तो ये जोग्राफिकल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत चुना जाता है यानी कि वर्ल्ड के कुछ पार्ट से अगर एक बार कुछ लोगों को चुना जाएगा तो अगले बार कुछ दूसरे पार्ट से फिर उस फोर्टी सिक्स में से कुछ लोगों को चुना जाएगा तो इस तरह से चुना जाता है द सी एस ओ सी डी मीट्स एवरी ईयर और जनरली ये फेबररी में मिलते हैं ड्यूरिंग इट्स मीटिंग मेंबर स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव कम टुगेदर टू डिस्कस एंड एड्रेस वेरियस सोशल डेवलपमेंट इशूज तो ये है मामला अब ये बात करते हैं कि ये जो ई एसओ सी जो है यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो ये बॉडी है ई दैट ओके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ईसीओ एसओसी ठीक है इट इज वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गेस विच वॉज इस्टेब्लिश बाबल फॉर द डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक सोशल ह्यूमिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाई द यू एन डिसीजन आर टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी रोल वोट द प्रेडेंसी ऑफ ई सी ओ एस ओ सी चेंजेज एनुअली मेम्बर्स इसमें फिफ्टी फोर मेम्बर्स हैं इसमें यानी कि ई सी ओ एस ओ सी की बात करते हैं अगर जिसमें से कि चार मेंबर्स फिक्स हैं और वो चार मेंबर्स कौन है आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के जो पाँच मेम्बर हैं उनमें से चार इसके फिक्स मेम्बर्स हैं सो दिस वॉज द टॉपिक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एन ने एक डाटा रिवील किया है इस डाटा के अनुसार ये पता चलता है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन में जो एफ है सबसे अधिक दिल्ली में लॉज होता है यहाँ ये बिल्कुल मत समझना कि दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वीमेन सबसे अधिक है क्राइम अगेंस्ट वीमेन कहाँ सबसे अधिक है ये तो पता नहीं लग सकता है बिकॉज क्राइम होना और क्राइम का लॉजिंग होना ठीक है क्राइम होना और क्राइम का लॉजिंग होना ये दोनों अलग अलग बात है तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर क्राइम बहुत ही गजब लेवल का क्राइम होता है अगर बात करें हम मणिपुर की या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तो वहां तो और ज़्यादा बुरा हाल है तो क्राइम होना और क्राइम लॉज होना बिल्कुल अलग अलग बात है तो क्राइम लॉज होने में ए, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में जो कि एफ लॉज होता है उसमें दैली नंबर वन पे आ गया है पूरे इंडिया में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ये उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेस्ड ऑन द ऑफ द टंडन कमेटी ये 1986 में जब इसे बनाया गया था तो ये किसके बेसिस पे बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द टंडन कमेटी द नेशनल पुलिस कमीशन नाइनटीन टू सेन ये कमीशन था नेशनल पुलिस कमीशन इट इट दिस कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड टंडन कमेटी एंड द टास्क फोर्स ऑफ होम मिनिस्ट्री तो 1986 में ये एन सी हमारा तैयार हुआ था तो काम क्या है एन का तो कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा एज वेल एज सर्विंग एज ए रिपोजिटरी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन टू एड इन्वेस्टिगेटर्स इन ट्रेसिंग क्राइम एंड क्रिमिनल्स तो यहाँ पर हर क्राइम और क्रिमिनल्स का अपना एक डाटा बेस है जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत सारा लाभ मिलता है हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है टू की बात है द एन सी द नेशनल डिजिट डिजिटल पुलिस पोर्टल ये विकीपीडिया का एक स्नैपशॉट है आप देख सकते हैं इसमें कुछ डिटेल्स और आप कुछ आए तो आप ले सकते हैं जो अभी एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी कि डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं विवेक गोगिया ठीक है इट इज आल्सो इंटरेस्टेड टू मेंटेन द नेशनल डाटा ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स एन और इसके अलावा पॉक्सो और भी जितने भी उस तरह के क्राइम हैं सबका डाटा बेस ये रखती है अब आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आई एन संधायक आई एन संधायक ये जो प्राउड ऑफ इंडिया कह लें ऐसे ऐसे एस सिप जो भी हैं सो वी आर प्राउड ऑफ आवर साइंस एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट वी हैव वी आर एबल टू बिल्ड सम दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट थिंग्स ओके सो लार्जेस्ट सर्वे वेसल इवर बिल्ट इन इंडिया आई एन एस संधायक की बात हो रही है तो सर्वे वेसल याद रखना लार्जेस्ट वेसल नहीं कहा गया लार्जेस्ट सर्वे वेसल ये युद्ध के लिए नहीं है ये सर्वे करने के लिए है इवन सर्वे के अलावा अगर कभी हॉस्टैलिटी हो जाती है कहीं पर या कहीं पर बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज हो जाता है तो उसके लिए भी ये काम आ सकता है ठीक है ना कहीं पर अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो एक हॉस्पिटल के तरह भी ये काम कर सकता है फुल्ली डिजाइन एंड बिल्ट बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जी ये कोलकाता के हैं ये लोग तो इन लोगों ने ये बनकर के अभी तैयार किया है फर्स्ट इन द फोर फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ फोर सर्वे वेसल्स ठीक है ये पहला है ऐसा ऐसा और तीन अभी बनना है और एस वी एल्स बींग बिल्ट बाय जी आर एस सी इट इज़ द री इनकारनेशन ऑफ एन अदर शिप बाय दैट नेम तो सेम नाम का एक और शिप पहले से था द प्रीवियस वॉरशिप ऑल्सो सर्वे वेसल वॉज कमिशन इन टू नेवी इन नाइनटीन एटी वन एंड डी कमीशन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो नाइनटीन एटी वन से उसने अपना सर्विस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक दिया उसके बाद उसे डी कमीशन कर दिया गया एंड ये जो है कि अभी हाल ही की बात है दो या तीन दिन पहले की बात है कि जी आर एस ई नेवी डे के ओकेजन पर ये आई एन एस संधायक डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को तो जी आर एस ई के द्वारा ये बना हुआ है द न्यू आई एन एस संधायक एंड द रिमेनिंग शिप्स इन द सीरीज़ आर फार मोर एडवास्ड देन देयर प्रसर्स तो और भी डिटेल्स इसके बारे में है एक बार देख लेना कैन ऑल्सो अंडरटेक सर्वेज इन मेरी टाइम लिमिट्स यहाँ तक कि जो मरीन सर्वे है वो भी ये कर सकता है इट कैन कैरी ए हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट इन लो इंटेंसिटी कॉम्बैट अगर छोटी मोटी लड़ाई हो कॉम्बैट हो तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है फंक्शन एज ए शिप तो ये सारी बातें हैं अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाइमेट हब तो रिसेंटली द क्लाइमेट हब वॉज फॉर्मली लॉन्च ट्वेंटी एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ठीक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप ट्वेंटी एट हर दिन इसके बारे में बात करते हैं हम तो उसी के Uh, कड़ी में ये हम लोग कर रहे हैं कि ट्वेंटी एथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में एक क्लाइमेट क्लब को फॉर्मली लॉन्च किया गया हालांकि इसकी जो बात शुरू हुई थी ये जी सेवन में शुरू हुई थी इसकी बात तो जी सेवन का जो बैठक हुआ था उसमें ये क्लाइमेट क्लब की का जो टर्म था ये क्वाइन किया गया था ये जर्मन चांसलर ओलाफ कॉल्ज हैं तो इनको समझ लो कि ये क्लाइमेट क्लब ये जो टर्म है इनको क्वाइन करने का श्रेय इन्हीं को जाता है ठीक है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो यू ए में भी ये हो रहा है ट्वेंटी एट सीओपी तो इट इज लेड बाय जर्मनी एंड चिली द क्लब हैज गार्डन सपोर्ट फ्रॉम थर्टी सिक्स मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग केनिया यूरोपियन यूनियन स्विटजरलैंड एंड अदर्स एम टू मेक डी कार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल फॉर क्लाइमेट एंड हैपीनेसरी बिजनेस इंप्रूविंग फाइनेंस एंड असिस्टेंस फॉर इमर्जिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज तो ये इस तरह की बड़ी बड़ी बातें इसमें की गई है फिलहाल देखो यू में जो कुछ भी अभी हो रहा है जब आप एडिटोरियल डेली डेली देख रहे हैं तो उसमें जो हमारा है एक लक्ष्य कि जो ये सेंचुरी है इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है वो उतना ना हो कम हो तो उससे रिलेटेड जो भी अभी स्टेप लिया जा रहा है उसी के लिए अभी सी ओ पी ट्वेंटी एट का आयोजन हुआ है दुबई यू में लेकिन जो भी एडिटोरियल आप पढ़ें या जो भी एक्सपर्ट ये देख रहे हैं कर रहे हैं तो जो भी प्लेज लिया जा रहा है वो उतना कारगर नहीं है वो उतना इफेक्टिव नहीं है ठीक है तो ये क्लाइमेट क्लब की बात वहीं से आ गई है तो इसमें क्या हो रहा है कि डी कार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कहा जा रहा है कि उसे सक्सेसफुल किया जाएगा बट ऑल ऑफ अस नो कि जहाँ ये हो रहा है उस पूरे मिडल ईस्ट की बात करें हम तो वहाँ पर तो सारे के सारे कंट्री किस पर डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर ही डिपेंडेंट है कार्बन फ्यूल पर सिर्फ वही क्यों जो भी उनसे खरीदते हैं ठीक है जो भी उससे खरीदते हैं वो सब तो उसी पर डिपेंडेंट है हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कोल पर ही बेस्ड है तो इफोर्ट अच्छा है लेकिन ह्यूमन के पास अभी उतना बड़ा कोई दूसरा सब्सटीट्यूट या दूसरा ऑप्शन अभी है नहीं तो ठीक है ये जो क्लाइमेट क्लब है इसका काम है कि पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ का डीकार्बोनाइजेशन यानी कि जितना कार्बन वो अभी एमिट करते हैं उसको कम किया जाए ठीक है इसको वो लक्षित करके इसको गोल बना करके ये क्लाइमेट क्लब काम करेगा इसके लिए फंड जुटाया जाएगा इसके लिए टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा शेयर किया जाएगा जिससे कि कार्बन का इमिशन कम हो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लीन एनर्जी है उसका टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में तो ये सब इफर्ट लगाया जाएगा क्लाइमेट क्लब में तो देखते हैं इसमें आगे क्या क्या डेवलपमेंट आता है इसमें तीन पिलर है पिलर वन पिलर टू पिलर थ्री एडवांसिंग एम्बिशस एंड ट्रांसपेरेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज बूस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप को भी इसमें बूस्ट करने की बात हो रही है देखो ये होता तो ठीक है ये सब बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन जो समस्या क्या है ना समस्या ये है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है ये लोग अपने किसी भी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करते हैं ठीक है टेक को शेयर करते ही नहीं है और टेक को शेयर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे हम तो कोल से ही बिजली बनाएंगे हम तो कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और वो अपना पेटेंट किसी भी तरह का कोई डिस्कवरी का पेटेंट वो शेयर करने से बिल्कुल कतराते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम कोयला मत जलाओ इसका मतलब उनसे सब कुछ खरीदो और वो भी बहुत हाई प्राइस पर और वो भी बहुत कम मिल पाएगा पूरा पॉपुलेशन को तो मिल भी नहीं पाएगा तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो कम बात कर रहे हैं और अपना कोलोनाइजेशन को ज़िंदा रखने का वो अपना एक तरीका खोज रहे हैं तो ये अपने आप में थोड़ा सा कथनी और करनी में डिफरेंस आ जाता है सो दिस वाज इट क्लाइमेट क्लब इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन रिसेंटली इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन ई जो कि इंडिया का है इसने इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन आई एस एस विजन जीरो टू अवार्ड उसे दिया गया है यानी कि ई को इन द रिसेंटली हैड ट्वेंटी थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया सो और भी इसमें क्या डिटेल है वो देखते हैं तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ये है क्या तो प्रिंसिपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ब्रिंगिंग टुगेदर सोशल सिक्योरिटी एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड और अगर बात करें तो इसका जो हैडक्वाटर है वो जेनेवा में ही है ऐट द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस में इसका यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के ही अंडर ये काम करता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 1927 में इसकी इस्टबलिशमेंट हुई थी अंडर द ILO ठीक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये आ, इसका इस्टब्लिशमेंट हुआ था ये आई एस एस ए का ठीक है इट हैज ओवर थ्री ट्वेंटी मेम्बर इंस्टीट्यूशन फ्राम ओवर वन सिक्सटी कंट्रीज कुछ इस कुछ आई एल ओ के डिटेल्स यहाँ पर विकीपीडिया स्नैपशॉट से आपको दिया गया है यहाँ देख लेना ठीक से इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किसके अंडर आता है तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यू के अंडर आता है सबको पता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और अवार्ड्स क्या मिल चुका है आई को पहले ही एक अवार्ड मिल चुका है वो है नोबेल पीस प्राइज़ का अवार्ड आई को मिल चुका है 1969 में मिला था तो की फैक्ट्स अबाउट द एम्प्लॉज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इट इज स्टैचुटरी कॉर्पोरेट बॉडी सेटअप अंडर द ई एस आई एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट जिसे प्राइज़ मिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं ई एस आई सी के बारे में बात कर है रहे हैं कि एम्प्लॉज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आखिर है क्या तो ये एक स्टैचुटरी कॉर्पोरेट बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ई एस आई स्कीम तो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को देखना इसका काम है हेडकुर्टर इसका न्यू दिल्ली में है चेयरमैन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ई एस आई सी द ई एस आई सी कप्राइजेज मेम्बर्स रिप्रेजेंटेट क्रूशियल इंटरेस्ट ग्रुप इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स इम्प्लाईज स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट एंड द मेडिकल प्रोफेशन स्टैंडर्ड कमेटी स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमोंग द मेम्बर्स ऑफ ई एस आई सी विच एक्ट्स एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी तो ये इस तरह से इसका वर्किंग स्ट्रक्चर है फिलहाल आपको ये पता रहना चाहिए कि ईएसआईसी ने इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन आई एस एस विजन जीरो ट्वेंटी थ्री अवार्ड जीता है ठीक है तो कहाँ पर ये हुआ था आयोजन इसका आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ट्वेंटी थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट ये जारी किसने किया है तो ये जारी किया है यू एन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यू एन सी सी टी इसने जारी किया है कहाँ जारी किया है तो ऑन द आउट सेट ऑफ कोप ट्वेंटी एक्ट तो यू ए दुबई में क्लाइमेट टॉक्स के बीच में ही इसे रिलीज किया गया है ग्लोबल ड्रॉट एंड स्नैपशॉट रिपोर्ट तो ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के बारे में ये लिखा गया है इसमें कि 70 परसेंट सीरियल क्रॉप्स वर डैमेज्ड बाय ड्रॉट इन द मेडिटर्न टू थाउजेंड सिक्सटीन टू एटीन की बात करें अगर 70 परसेंट क्रॉप्स डैमेज हो गए थे सिर्फ सूखे की वजह से 33 परसेंट लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड इन साउथ अफ्रीका ड्यू टू ड्रॉट और जितना ग्रेजिंग लैंड है जानवरों के चरने के लिए जो लैंड था वो भी थर्टी परसेंट खराब हो गए सिर्फ सूखे की वजह से फाइव कंसिक्यूटिव रेनफॉल सीजन फेलर्स इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका काउट द रीजन्स वर्स्ट ड्राउट इन फोर्टी ईयर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फूड इनसिक्योरिटी एंड हाई फूड प्रोसेस प्राइसेस जिसके कारण आपने देखा होगा कि चैड में या फिर उधर कॉन्गो में इसके बहुत सारे पिक्चर आ रहे थे कि वहाँ पर मिट्टी के भी रोटी बनाकर खाए जा रहे हैं सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वॉज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्राउट ठीक है रेनफॉल में कमी आ गया तो फिर फूड इनसिक्योरिटी आ ही गया अफ्रीका इज ड्रॉट रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेस इन द पास्ट फिफ्टी ईयर्स एट सेवेंटी बिलियन डॉलर तो पिछले पचास वर्षों में फिफ्टी ईयर्स में अगर अफ्रीका की सिर्फ बात करें तो उसने सेवेंटी बिलियन डॉलर का नुकसान झेला है सिर्फ सूखे की वजह से तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन ये कब ड्राफ्ट हुआ था तो ये ड्राफ्ट हुआ था सेवनटीन जून नाइनटीन नाइन्टी फोर में ऑरिजिनेटेड एट द नाइनटीन नाइनटी टू अर्थ समिट इन रियोडी जेनोरियो तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट हुआ था जिसमें प्लेज लिया गया था और उस प्लेज के अकॉर्डिंग 1994 में ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन इसे ड्राफ्ट किया गया इसका क्वार्टर बॉर्न जर्मनी में है एंड न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये वर्क करता है इफेक्टिव फ्रॉम 26 दिसंबर 1996 सिक्स रेटिफिकेशन बाई फिफ़्टी स्टेट्स पार्टीज़ वन ठीक है ये है ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट टू थाउजेंड ट्वेंटी नीड फॉर प्रोएक्टिव एक्शन टॉपिक इज मार्स अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हाल ही में इसने करीब बहुत सारे गवर्नमेंट को बहुत सारी सरकारें को दुनिया के बहुत सारे गवर्नमेंट्स को इसने नोटिफाई किया है वन ट्वेंटी सेवन प्लम्स के बारे में स्पैनिंग फोर कंटिनेंट्स एंड आइडेंटिफाइड फिफ्टीन हंड्रेड प्लम्स इट्स पायलट स्टेज तो हाल ही में इसने करीब एक प्लम्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट को नोटिफाई किया है और अब तक में इसने टोटल कितना कर लिया है तो अब तक इसने 1500 हंड्रेड प्लम्पस को आइडेंटिफाई कर लिया है प्लम्स क्या होता है तो देखो सिंपल सा ऐसे ऐसे समझना है कि कोई भी इंडस्ट्री है तो जैसे ईंट का यह भट्टा है तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है तो धुआं में देखो सिंपल अगर कोई फैक्ट्री है ईंट का भट्टा है तो ये धुआँ कम से कम इन्वायरमेंट के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है लेकिन कोई कोई फैक्ट्री होता है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे होता है बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री होता है एंड वहाँ से जो प्लम्स निकलता है तो उसमें मिथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ठीक है मिथेन का जो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ज़्यादा होता है ऐसे तो देखो इसे प्लम्स कहा जाता है प्लम्स कहा जाता है ठीक है तो जहाँ मिथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा है यानी कि इन्वामेंट पर सस्टेनेबल जो लिमिट है उससे भी अगर ज़्यादा है तो फिर ये मार्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसको नोटिफाई करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उससे रिलेटेड कंपनी को या उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को नोटिफाई करता है कि आप अपने एरिया में कुछ रेगुलेशन लाइए और जो आपने प्लेज दिया था पेरिस क्लाइमेट कंट्रोल में तो वो आप कुछ करके दिखाइए आपने साइन कर दिया है कि आप मिथेन का जो एमिशन है उस पर काम करेंगे उसे डाउन में लाएंगे उसे कम करेंगे अपने एरिया में अपने कंट्री में और आपके कंट्री से ये फ्लूम्स बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इस तरह का काम है ये मार्स सिस्टम का दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट तो देखो मार्स सिस्टम आखिर काम कैसे करता है तो डाटा टू एक्शन इनिशिएटिव है मिशन टू पुट ओपन रिलायबल एंड एक एक्शनेबल डाटा इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन रिड्यूस मिथेन एमिशन तो सिर्फ सरकारें ही नहीं ये जो पोर्टल है ये खुला हुआ है आप भी जा कर के लॉग इन कर सकते हैं पोर्टल पर और देख सकते हैं कि आपके एरिया से कितना मिथेन का एमिशन हो रहा है कहाँ से हो रहा है तो आप भी गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने जो एक्ट बनाया है ठीक है फॉरेस्ट एक्ट बनाया है आपने इन्वायरमेंट एक्ट बनाया है तो फिर देश में इतना ज़्यादा मिथेन का एमिशन क्यों हो रहा है ठीक है हमारा तो गाड़ी अगर फिफ्टीन ईयर्स हो जाए तो आप उसे कबाड़े में बिकवा देते हैं तो फिर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री पे क्यों नहीं आप अब तक में कुछ मेजर्स लिए हैं तो इस तरह की बातें एक इंडिविजुअल स्केल पे भी हो सकता है अगर ये डाटा आप एक्सेस करते हैं तो दैट इज़ मार्स का डाटा सो so, आई थिंक कि इतना क्लैरिटी आपके लिए काफ़ी है ये कॉप ट्वेंटी सेवन नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इसे अनाउंस किया गया था अभी तुरंत मैंने आपको बताया और ये किसके अंडर काम कर रहा है तो यू एन ई पी का एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल मिथेनेमिशंस ऑब्जर्वेटरी ये टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में जी ट्वेंटी समिट में इसे इसे लाया गया था इसे प्रपोज किया गया था और वो अब काम करना शुरू कर चुका है तो आई एम ई के अंडर काम करता है मार्स ठीक है मार्स अभी पायलट फेज में है अगर ये सक्सेसफुल होता है तो समझ लो हमेशा के लिए अच्छे से लागू हो जाएगा तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है ये सेटेलाइट का यूज करता है टू स्कैन द ग्लोब फॉर मेजर एमिशन सोर्सेस एंड एलर्ट्स कंट्रीज एंड कंपनीज सो दैट दे कैन टेक मिथेन एक्शन एंड एक्सिलेट प्रोग्रेस सपोर्टिंग द पेरिस एग्रीमेंट एंड ग्लोबल मिथेन प्लेज उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं यहाँ कुछ और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर उसे आप अच्छे से देखें एक पाउज लें ठीक से देखें तो ये सारा काम मार्स का है मार्स ब्रिंग टुगेदर फोर क्रिटिकल कंपोनेंट्स टू ड्राइव ट्रांसपेरेंसी एंड एनेबल एमिशन रिडक्शन डिटेक्शन ऑफ लार्ज सोर्सेज एंड ह्यूमन काउस्ट मिथेन एमिशन नोटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रीज एंड कंपनीज रिस्पॉन्स फ्रॉम नोटिफाइड स्टेक होल्डर्स तो ये सारी बातें हैं एक पाउज लेकर और अच्छे से इसे देख लो 120 कंपनी पूरे वर्ल्ड में मात्र 120 कंपनी रिप्रेजेंटिंग नियरली 40 परसेंट ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ठीक है तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा जो डिफरेंस है डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि देखो जो इन्वायरमेंट में जो भी क्लाइमेट चेंज आएगा उसका तो सब कोई भुगतेगा सबको वो प्रभाव पड़ेगा ठीक है ना लेकिन मात्र 120 सौ बीस कंपनीस के लिए जिम्मेदार है इंटरनेशनल मिथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी आई एम ई ओ के बारे में देख लो मैंने अभी तुरंत कहा कि आप उसके पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं जिस एरिया में मिथेन का बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है वो ऐसा दिख जाएगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल को अपना एक्शन लेने का एक राइट right है वो ले सकता है तो ये है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल एमिशन ऑब्जर्वेटरी तो ये एक इनिशिएटिव है एन इनिशिएटिव विच टैकल्स द प्रॉब्लम ऑफ एमिशन बाई कलेक्टिंग इंटीग्रेटिंग एंड रिकाउंसलिंग मिथेन डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग साइंटिफिक मेजरमेंट स्टडीज सेटेलाइट इंडस्ट्री रिपोर्टिंग थ्रू द ऑयल एंड गैस मिथेन पार्टनरशिप टू पॉइंट ओ एंड नेशनल इन्वेंटरीज तो ये सारी चीज़ें हैं आप इसको अच्छे से देखें पढ़ें सीखें एग्जाम में इसका यूज करें पॉजिटिव तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक टॉपिक है वो भी देखें लो चलते चलते ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज अ मेजर टू ऑफ हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स इन द एटमोसफेयर ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजअली हंड्रेड ईयर्स कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड सी इसमें क्या है उसे समझो ठीक से देखो जो एयर होता है ना एयर अगर क्लीन है तो वो फिर उतना ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा लेकिन अगर एयर में ग्रीन हाउस गैस है तो फिर वो एयर वार्म हो जाएगा बिकॉज ग्रीन हाउस गैस में एक टेंडेंसी होता है कि वो अट्रैक्ट करता है वार्म को यानी कि वो गर्म होता है सीधी सी बात है कि वो ज़्यादा गर्म होता है ठीक है सन जो सन रे आता है आ, मतलब अर्थ के सरफेस को जो हीट करता है तो उसमें से अच्छा खासा हीट फिर से वापस चले जाता है दैट इज़ एल इफेक्ट लेकिन ये जी एच जी जो है ये इन्वायरमेंट में कहीं भी है तो ये जा रहे सनलाइट को फिर से कैच करता है उसे टकराता है और उससे उसकी जो वाम्थ है उसकी जो हीट है उसे ऑब्जॉर्व करके अपने पास रख लेता है और इन्वायरमेंट में बना रहता है दैट मीन्स ये गर्म होकर इन्वायरमेंट में बना रहता है जी एच जी की बात हो रही है ठीक है तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक इन्वायरमेंट को एटमोसफियर को गर्म रखता है तो कहा जाता है कि यूजअली हंड्रेड ईयर्स कंपेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द रिफ रिफरेंस गैस विथ जी डब्ल्यू पी एफ वन सबसे अधिक माना जाता है इसे ठीक है अदर ग्रीन हाउस गैसेज सच एज मिथेन एंड ऑक्साइड हैव हाइयर जी डब्ल्यू पीच बिकॉज दे आर मोर इफेक्टिव एट ट्रैपिंग हीट सॉरी सी ओ टू का ज़्यादा नहीं है ये यूजली हंड्रेड ईयर्स का मान के चला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक रेफरेंस में माना गया है वन अगर इससे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा लाइक like मिथेन तो उसका हो जाएगा वन से अधिक वन पॉइंट फाइव होगा वन पॉइंट टू होगा जो भी होगा और कम है तो वन से कम होगा तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी प्रोवाइड्स जी डब्ल्यू पी वैल्यूज फॉर डिफरेंट कैसेस नेक्स्ट टॉपिक पिलैटस पी सी सेवन मैक टू ये अपने आप में एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ठीक है यहाँ इसमें क्या होता है ट्रेनिंग दिया जाता है जो भी कोई नया पायलट होगा तो उसके साथ एक को पायलट जो कि ट्रेंड है वो इसके साथ बैठ कर इसमें उसे ट्रेनिंग दिया जा सकता है ये फॉरविगिवेबल प्लेन होता है फोरगिवेबल होता है यानी कि इसमें कुछ गलती हो जाने पर भी इसे कंट्रोल करना फिर इजी होता है तो दैट्स वाई इसमें ट्रेनिंग के भी जो भी पायलट हैं जो भी ट्रेनिंग के लिए गए हैं उन्हें यह पायलट से उड़ने के लिए सिखाया जाता है टू इंडियन एयरफोर्स पायलट्स किल्ड आफ्टर देयर पिलेटस पी सी सेवन मैक टू ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश ड्यूरिंग ए रूटीन ट्रेनिंग सॉटी फ्रॉम द एयरफोर्स एकेडमी एट जुंडीगल तेलंगाना तो लो विंग टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है टेंडम सीटिंग uh, द कैडेट सिट्स इन द फ्रंट द इंस्ट्रक्टर बिहड हिम तो दो लोग होते हैं इंस्ट्रक्टर पीछे बैठते हैं और कंट्रोल तो इंस्ट्रक्टर के भी पास होता है वेल द ऑरिजिनल एयरक्राफ्ट हैज़ बिन इन सर्विस सिंस द नाइनटीन सेवेंटीज़ द मैक टू वर्जन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द नाइनटीन नाइनटीज द न्यूअर एयर फ्रेम एंड मोर एडवास्ड एवियोनिक्स इट इज़ पावर्ड बाय प्रेट एंड विटनी तो ठीक है उतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे आपको चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ दो मैं इसको पहुँच करके विकीपीडिया का एक शॉर्ट है उसे भी देख लेना अच्छे से तो उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या होता है तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइंड स्पेसिफिकली टू फैसिलिटेट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एयर क्रूज मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट आर न्यूट्रियसली डिफिकल्ट टू मास्टर जैसे रफेल है फर्स्ट ये कोई भी रफेल नहीं चला सकता चाहे वो कितना भी अच्छा से बुक्स uh, में पढ़ लिया हो या कितना भी अच्छा उसके साथ जो वर्चुअल केबिन होता है वर्चुअल कॉकपिट में वो चाहे जितना भी चला चुका हो प्लेन को लेकिन डायरेक्ट प्लेन चलाना इतना आसान नहीं होता है सो दे मस्ट फर्स्ट बी ट्रेंड टू ऑन अदर मोर बेसिक एयरक्राफ्ट तो यही बेसिक एयरक्राफ्ट में इसकी गिनती होती है फ्लेटस पी सी सेवन मैक टू नाइनटीन में इसे किया गया था इंट्रोड्यूस इंडियन एयरफोर्स में दे आर ऑल्सो मच चीपर एलाइंग एयरफोर्सेज टू बाई दैम इन बल्क टू ट्रेन कैडेट्स ओके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडवोकेटेड फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसज टू इनहस डाइवर्सिटी इन द जुडिशियरी बाई इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स ठीक है तो ऐसा प्रेसिडेंट का कहना था कि जो मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में यानी कि जुडिशियल सर्विस में नहीं हो रहा है जो अभी की हालत है उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा स्टेक होता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अभी नहीं है तो प्रेसिडेंट का कहना है प्रेसिडेंट ने एडवोकेट किया है कि ये इंट्रोड्यूस किया जाए तो इट इज़ ए प्रोपोज्ड सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट सिस्टम फॉर जजेज एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज एंड डिस्ट्रिक्ट्रॉस ऑल स्टेट ए आई जी एस एम्स टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेज सिमिलर टू द यू पी एस सी मॉडल तो ये सारी बातें अभी प्रपोज्ड है अभी आया कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं पहले ये देख लो आर्टिकल थ्री ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए आई जी एस ए आई जी एस सिमिलर टू सेंट्रल सिविल सर्विसेस अपोन ए रेजोल्यूशन बाई द राज्यसभा सपोर्टेड बाई एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ इट्स मेम्बर तो राज्यसभा में अगर एक रेजोलेशन लाया जाए और उसमें से टू थर्ड मेम्बर्स जो अगर उनको इस रेजुल्यूशन को सपोर्ट कर दें तो फिर ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेस की शुरुआत की जा सकती है हा एवर आर्टिकल थ्री ट्वेल्व टू स्टेट्स डेट द ए आई जी एस कैन नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इनफेरियर टू दैट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज तो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे का कोई भी पोस्ट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के द्वारा केंद्र सरकार रिक्रूट नहीं कर सकती है ये भी 312 के सेक्शन टू में ही लिख दिया गया है तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा आपको तो चलते हैं आगे तो कुछ और प्रोसीजर्स हैं कि करेंटली कैसे रिक्रूट किया जाता है देखिए करंट सिस्टम जो काम करता है वो आर्टिकल 233 और 234 पर काम करता है ग्रांटिंग स्टेट्स द अथॉरिटी ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज मैनेज थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट सिंस हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुरिस्टिक्शन ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिशियर इन द स्टेट तो अभी ऐसे ही चल रहा है टू डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज टू डील्स विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेज टू द जुडिशियल सर्विस तो ये सारी बातें हैं एक पाउज लेकर जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे अपने से तब तक सुन के कुछ नहीं होने वाला है मैं ये बार बार कह रहा हूँ ठीक है मेहनत तो आपको करना होगा क्योंकि गोल आपका है इंदर कुमार गुजराल की बात करते हैं हाल ही में उनका एलेवेंथ डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है टू द प्री कर्सर ऑफ गुजराल डॉक्ट्रेन आई के गुजराल तो गुजराल डॉक्ट्रेन देने वाले थे आई के गुजराल जो कि बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है अगर इंडिया की बात करें तो तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो उन्होंने दिया था द ट्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया हैज हेज़बिन मार्क्ड ऑन नवंबर थर्टी को उनका एलिथ डेथ एनिवर्सरी मनाया गया ही वॉज द ट्वेल्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है उससे पहले वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे थे नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स से नाइन्टीन नाइन्टी सेवन तक डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर गुजराल फॉर्मली रिफ्यूज टू साइन द सी टी बी टी ऑन अक्टूबर नाइनटीन नाइन्टी सिक्स तो सी टी बी टी पर इंडिया ने हस्ताक्षर नहीं किया था और इंटरनेशनल प्रेशर इतना था कि शायद कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद झुकना पड़ता लेकिन उन्होंने ऐसा साइन नहीं किया उनका अपना तर्क था और वो तर्क बिल्कुल सही भी है बिकॉज हम टेस्ट बैन कैसे कर लें जब हमारा पड़ोसी चाइना हो तो फिर हम कैसे टेस्ट बैन कर लें तो इस तरह की बातें थी खैर गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ द गुजराल डॉक्ट्रिन डीलिएटेड इट्स अप्रोच टुवर्ड्स इंडियाज नेबर्स विच लेटर कम टू बी एज गुजराल डॉक्ट्रिन तो गुजराल डॉक्ट्रिन ऐसा था कि जो अप्रोच इंडिया अपने नेबर के साथ पहले से रखता आ रहा था या इंडिया से ऐसा उम्मीद करता था या इंडिया के बारे में ऐसा शक करता था पूरा दुनिया उसको बिल्कुल इन्होंने चेंज कर दिया देखो होता क्या है इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि सपोज कोई बड़ा सा कंट्री है तो उसके आसपास छोटे छोटे कंट्री हैं तो सब कंट्री हैं ठीक है ना सारे के सारे कंट्री ही हैं लेकिन यही कि ये यह छोटा है छोटा होने के कारण ये थोड़ा वीक है ठीक है ना इसके पास स्ट्रेंथ उतना नहीं है जितना इसके पास है तो वहाँ पर तब क्या होता है जनरली ये समझा जाता है कि ये जो है अपने नेबर्स पर डोमिनेटिंग अपना इफेक्ट रखेगा ये चाहेगा कि हम इन सब के डोमिनेट करें जो कि चाइना करता भी है साउथ चाइना सी के सारे कंट्री के ऊपर ऐसा वो अपना डोमिनेंस रखता है तो ये मान के चला जाता है कि यहाँ पे मछली वाला नियम लगता है ये सब पॉलिटिकल साइंस की बातें हो जाती है मान के चला जाता है कि बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है तो इसका हित का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ये जो चाहेगा वो करेगा ठीक है लेकिन गुजराल ने कहा कि नहीं गुजराल का जो डॉक्ट्रिन है उसने कहा कि नहीं हम प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ काम करेंगे भले ही वो छोटा है भले ही वहाँ लोग कम हैं लेकिन चूँकि वो एक सिंस वो एक कंट्री है ठीक है तो वो एक कंट्री है और हम भी एक कंट्री हैं ठीक है वो भी एक कंट्री है और हम भी एक कंट्री हैं तो कंट्री कंट्री के साथ जैसा रिलेशन होना चाहिए डिप्लोमेटिक रूप से वही होगा ठीक है ना कहीं से भी किसी तरह का कोई सबॉर्डिनेशन डोमिनेंस हम अपनी तरफ से नहीं दिखाएंगे किसी भी तरह का डोमिनेंस हम उन पर नहीं दिखाएंगे हम उनको एकदम कंधे से कंधे बराबर रिस्पेक्ट देते हुए काम करेंगे और समय का डिमांड भी तो यही था ठीक है ना अगर कोई बहुत बड़ा चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट का घर हो उसके पास किसी की झुकी झोपड़ी हो या किसी की छोटी सी दुकान हो और सामने कोई बहुत बड़ा शोरूम है तो शोरूम वाला कभी कभी सोचता है कि मैंने इतना अच्छा शीशा लगाया है ये लगाया है आगे गार्डन लगाया है लेकिन सामने ये एक छोटा सा ठेला वाला क्या कर रहा है एक छोटा सा पान का गुंडी यहाँ क्या कर रहा है तो ये चाहता तो था पहले कि ये हट जाए लेकिन और ये भी उन्हें थोड़ा सा Uh, हॉस्टाइल निगाहों से देखते थे ये लोग भी लेकिन समय बदला अब इनको भी समझ में आता है कि ये हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं इनके कारण रुकते हैं वो भी हमारे शोरूम में आ जाते हैं तो कुछ तो लाभ हमें हो रहा है और इनको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर शोरूम है ये अपने शोरूम के लिए बहुत बड़ा बड़ा सिक्योरिटी रखे हुए है और इनके सिक्योरिटी के कारण चोर खुलेआम हमारे दुकानों में भी चोरी नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से दोनों का भला हो रहा है तो दोनों का जब भला हो रहा है तो दोनों साथ साथ क्यों ना ठीक से रहें तो इस तरह से दुनिया चलती है और आगे चल रही है और यही गुजराल का डॉक्ट्रिन का एक सार है आप चाहें तो इसे पहुँच करके पढ़िए नन विल इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एन अदर कोई भी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देगा मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी नेशन विल सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल पायलट्रल नीगोशिएशंस ये सारी बातें इन्होंने दिया हालांकि इनकी जो भी बातें थी पाकिस्तान के केस में कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया की जो नरमी है वो इन्हीं के कारण रही और ये अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के केस में खैर जाने दीजिए डॉक्ट्रेन में कोई कमी नहीं बल्कि पाकिस्तान की ही किस्मत फूटी है ठीक है क्योंकि गुजरात डॉक्ट्रेन से फ़ायदा तो पाकिस्तान का ही था बेनिफिट पाकिस्तान को ही मिलने वाला था खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जी ग्रोथ सरप्राइज तो इंडिया ने फिर से सरप्राइज किया है मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना एक लेटेस्ट डाटा रिलीज किया है अकॉर्डिंग टू विच द जी डी पी ऑफ इंडिया ग्रो बाय सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर कविंग द मंथ्स ऑफ जुलाई टू सेप्टेंबर सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जी बी ए टोटल की बात करें देखो इंडिया में हम जो जी डी पी कैलकुलेट करते हैं वो जी बी ए के ही फॉर्म में करते हैं तो जी बी ए क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि आपस में आप लोगों का जो इंफॉर्मेशन है या फिर नॉलेज है उसका कुछ इंप्रूवमेंट हो सो एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे सेक्टर में आप देखेंगे कि कुछ गजब का ही उछाल आया हुआ है सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया ओके तो इंडिया इकोनॉमी इन क्यू टू विटनेसड डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर अ सर्ज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड अ स्लो डाउन इन सर्विस सेक्टर नॉट ओनली इज दिस अ फेयरली इंप्रेसिव लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इट ऑल्सो बीट्स ऑल मार्केट एक्सपेक्टेशन तो मार्केट एक्सपेक्टेशन को इंडिया ने बीट करके रख दिया है ठीक है ठीक उसी तरह से जैसे हाल ही में एग्जिट पोल को लोगों ने बीट कर दिया था तीन राज्यों में द रिसेंट क्वार्टरली जी डी पी ग्रोथ हैजिगर्ड अ फ्लरी ऑफ अड्ड रिविजन इन द जी डी पी फोरकास्ट फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर ओके ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क आफ्टर एन एट ईयर जर्नी इंक्लूडिंग अ ब्रीफ पाउस ड्यूरिंग कोविड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग टू रिज्यूम द फोर्थ फेज ऑफ द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान ठीक है तो इसमें होगा क्या दिस इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिंग डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड टू टीच एट इंडियन यूनिवर्सिटी तो वर्ल्ड वाइड जो भी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएँ उसी को लेकर के ये एक प्रोग्राम ये एक इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है थ्री फिफ्टी टू एकेडमिशियंस न्यू पेडागोजिक मेथड 352 फिफ्टी टू यूनिक कोर्सेज थ्री थर्टी एट कंट्रीज थर्टीन डिसिप्लिन सिक्सटी एट नेशनल इंस्टीट्यूट रेपूटेड इंटरनेशनल फैकल्टी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सो लॉन्च इन टू थाउजेंड फिफ्टीन द फिफ्टीन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द जी आई एन स्कीम इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी टू इंटरेक्ट विद द बेस्ट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक हमारे सामने से आया है मंकी पॉक्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डी आर सी एज विटनेस्ड सिग्नीफिकेंट इंक्रीज इन मंकी पॉक्स केसेस विथ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव सिक्सटी नाइन सस्पेक्टेड केसेस एंड फाइव एटी वन डेथस रिपोर्टेड फ्रॉम जनवरी टू नवंबर तो ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में फाइव एटी वन डथ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव सिक्सटी नाइन सस्पेक्टेड केसेस तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मंकी पॉक्स काउ बाई मंकी पॉक्स वायरस एम पी एक्स वी इज ए वायरल जूनोटिक डिजीज एंडमिक इन डेंसली फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका सिम्टम्स क्या है रैश रेजम्बलिंग चिकन पॉक्स एक्म्पेंड बाई फीवर मलाइज हेडेक स्मॉल पॉक्स मंकी पॉक् अनलाइक स्मॉल पॉक्स मंकी पॉक्स एग्जिबिक्स अर्ली लिफ क्लैंडार्जमेंट तो ये लिम्फ क्लैंड में इनलाजमेंट कर देता है दे आर आर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल फॉर मंकी पॉक्स इंजेक्शन इन्फेक्शन इन द पास्ट द स्मॉल द एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वंस एटी फाइव परसेंट इफेक्टिव इज नो लॉन्ग लॉन्गर वाइडली एक्सेबल तो ये सारी चीज़ें अब हमें देख पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं इन्हें सो दिस वॉज द टॉपिक्स फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग अब सेशन एंड हो गया है सो थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है इफ़ यू रियली लाइक द सेशन देन प्लीज़ टैप ऑन द लाइक बटन प्लीज़ कमेंट आई कैन टेल यू इन वर्ड्स दैट हाउ मच दिस इनकरेज मी सो इफ़ यू वांट दिस सेशन कंटिन्यूअसली रेगुलरली देन प्लीज़ टैप ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट सेशन